माँ बंगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश, कुंभ पूजन, माँ बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान पप्पू ठाकुर से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों को आहूतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने उपस्थित माँ भक्तों को कहा कि जो जीवन में नियमों को मानता है, प्रकृति का सम्मान करता है, उसे कभी कष्ट नहीं होता। वर्तमान में कोरोना महामारी ने इसको सत्य भी साबित कर दिया है कि धैर्य रखने का सुखद परिणाम मिलता है। वहीं उन्होंने कहा कि ठोकर खाकर गिरने वालों को तो कोई ना कोई संभाल लेगा, लेकिन जो कर्मों से गिर जाता है उसे कोई नहीं संभाल सकता। तो वहीं हवन यज्ञ उपरांत 30 जुलाई रविवार को मां बंगलामुखी जी को 56 भोग महोत्सव की तैयारियों की चर्चा एवं सेवादारों की ड्यूटियां लगाई गई। इस अवसर पर मोहिंदर शर्मा, राकेश प्रभाकर, सुदेश शर्मा, समीर कपूर, संजीव शर्मा, प्रवीण, रोहित भाटिया, लवली रलहन, बाबा जोशी, दिशांत शर्मा, अमरेंद्र कुमार शर्मा, मैनी, प्रदीप शर्मा, नवदीप, राजीव भारद्वाज, अशोक शर्मा, अश्विनी शर्मा, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, भानु मल्होत्रा, मानव शर्मा, अश्विनी थापर, राजीव, दिशांत शर्मा, जसप्रीत सिंह, राकेश, सौरभ मल्होत्रा, हंसराज, दीपू ठाकुर, अभिषेक भनोट, श्याम साहनी, ठाकुर बलदेव सिंह, रोहित अरोड़ा, लकी, रवि वर्मा, रमन कुमार, जसविंदर सिंह, सुनील जग्गी, प्रिंस, मदन सिंह, अमित शर्मा, ज्योति, सुमित कुमार, प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। हवन यज्ञ हो जा रहा सवेरे 8 to 10, उस तो उपरान माँ बगलामुखी जी ने 56 भोग लगनगे और साड़ी सारे सेवादारों वालों समूह संगत को करवत प्रार्थना है कि वह हुम हुमा के पहुँचन, अपने घरों कोई भी वस्तु बना के लिया सकते हैं बिना लसन प्याज तो, इसलिए कोई भी अपने घरों कुछ भी मिठा नमकीन जो उन्होंने वधिया आता हो, कोई कद्दू बना सकता है, कोई भी वस्तु बना के महामाई को अर्पित कर सकता है, सुचम होवे, साफ स्वच्छ बनया होवे और बिना लसन प्याज तो होवे। जे घर नहीं बना सकते, किसी हलवाई को जाके कोई भी वस्तु महामाई को भेंट कर सकते हैं। साड़ी सारे सेवादारा की एक करवत प्रार्थना है। अज दिव्य हवन यज्ञ तो बाद जिहड़ा वीरवार ही है, उस तो उपरांत यह मीटिंग हुई है सेवादारा की, सारे ने जिहड़ियां ड्यूटियां वो अपनी अपनी संभाल लईयां। इस दे नाल ही मैं दसना चाहना कि सारे सेवादार आप तो घर परिवार के नाल आएंगे, पर सारे वालों यही सारे माँ के नाम लेवा संगत अगे बेनती है कि 30 तरीक दिन रविवार को 12 बजे महामाई को भोग लगनगे। जिहड़े भोग लगवाना चाहते हो 12 बजे तो पहला 10, 10:30 तक मंदिर च दिओ, तां जो महामाई के चरणों के अर्पित करने लई उहनूं सुचजे ढंग दे नाल सजाया जा सके और रख्या जा सके। साडी फिर सारे सेवादारां दी यही करवत प्रार्थना है कि माँ के दरबार से आओ, 56 भोग किस तरह लगते हैं वो आके देखो और महामाई का इंतजार। सब भक्तों को बेनती है कि 30 जुलाई को 56 भोग का आयोजन किया जा रहा है, सब इतने अपने परिवार सहित आके भाग लैन और महामाई के दर्शन कर। बहुत साचे दरबार की जाए। अज माँ बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी के जिहड़ा कि लम्मा पिंड चौंक के कोल स्थित है, उत्थे माँ बगलामुखी जी के निमित हवन यज्ञ किया गया, जिहड़े कि लगातार हर वीरवार किए जाते हैं। अज जिहड़ा वीरवार श्रद्धालु थे सवेर तो ही जड़े मंदिर परिसर शामिल हो लग पे थे और उन्होंने
बई इतवार वड्डा हवन भी है और माँ बगला मुखी जी को छप्पन भोग भी लगाए जाएंगे। सारे श्रद्धालुओं को भक्तों को बेनती की जाती है कि सब परिवार मंदिर परिसर में